नमस्कार जी, मैं डाइटिशियन रीना शर्मा तो डॉक्टर सुशील कोदरू मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा तो अज फिर थोड़े सामने हाजिर हाँ। तो अज मैं डॉक्टर साहब नूं ये पूछना चाहूँगी कि शुगर दे विच जिन्हां दा इंसुलिन चल रहा है या दवाइयाँ चल रही हैं या एक नॉर्मल शुगर पेशेंट नूं शुगर की जाँच और शरीर के बाकी अंगों की जाँच कदों कदों करवानी जरूरी है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ तुम दसोंगे कि एक पेशेंट नूं कदों कदों कि जाँच करवानी जरूरी होंगी है, कि टेस्ट की लोड़ पैंदी है। पहले हम एक शुगर के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि शुगर के टेस्ट कब कब करानी चाहिए। बाकी खाली शुगर के टेस्ट कराने के साथ साथ बाकी शरीर के टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने जैसे बाकी वीडियोस में डिस्कस किया है कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी या मधुमेह रोग सारी बॉडी की बीमारी है, ये सारे बॉडी के ऑर्गन्स है अंगों पर असर करती हैं, तो रेगुलर बॉडी के टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत पड़ती है। शुगर के टेस्ट डिपेंड करता है कि आप किस दवाई पे कंट्रोल करें शुगर को। अगर आप टेबलेट्स पे हैं या ऑरल दवाइयों पे हैं, गोलियां पे शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है आपके पास शुगर चेक करने की मशीन है, ग्लूकोमीटर है कि नहीं। वैसे कोशिश करनी चाहिए हर किसी शुगर पेशेंट को एक ग्लूकोमीटर खरीदना चाहिए। ग्लूकोमीटर मीन्स छोटा सा एक ग्लूकोमीटर मशीन आती है जिसमें आप खुद अपना कैपिलरी ब्लड शुगर उंगली से एक शुगर का चेक कर सकते हैं अपनी मशीन के द्वारा। अगर किसी पेशेंट के पास अपना ग्लूकोमीटर नहीं है और शुगर की गोलियां खा रहे हैं, तो हर महीने में अगर शुगर चेक करवाना है तो खाली पेट तड़के नेरने काल जी शुगर चेक करना चाहिए और नाश्ते के 2 घंटे बाद शुगर चेक करना चाहिए, किसी अच्छी लैब से करवाना चाहिए। और हम शुगर का कंट्रोल तब मानते हैं जब नेरने काल जी 80 से 120 शुगर हो और तड़के नाश्ते के 2 घंटे बाद 160 से नीचे 160 से कम है शुगर खाने के 2 घंटे बाद। प्रॉब्लम ये एक शुगर रिपोर्ट से क्लियरिटी नहीं मिलती है, तो हम चाहेंगे कि हर किसी के पास अपना ग्लूकोमीटर हो और रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक कर लें। अगर आपके पास अपना ग्लूकोमीटर है, आप वो वीकली भी कर सकते हैं, संडे संडे को भी कर लें या 15 डेज के इंटरवल पर भी कर लें। बट अगर आपके पास अपना ग्लूकोमीटर नहीं है, तो मंथ में एक बार, अगर आपका शुगर कंट्रोल है, मंथ में एक बार भी आप अपना लैब से शुगर चेक कराएं। एटलीस्ट मंथ में एक बार शुगर चेक करना भी मोर देन कंफर्टेबल है। बट अगर आप इंसुलिन पे हैं, तो आपका एक ग्लूकोमीटर लेना अनिवार्य बनता है। आपका अपना ग्लूकोमीटर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना इंसुलिन डोज कम ज़्यादा करना पड़ेगा और शुगर चेक करके डोज सेट करना पड़ेगा। तो आप डिपेंड करता आपका कौन सा इंसुलिन चल रहा है। अगर 24 आवर्स में एक टाइम का इंसुलिन लाइक लेंटस या ग्लारजीन चल रहा है, वो 24 आवर्स में एक बार लगाना पड़ता है, या ट्रेसिवा या डिग्लेडेक इंसुलिन जो होता है वो चलता है, तो उसके हिसाब से एटलीस्ट 3 डेज के बाद एक बार चेक करना पड़ेगा या 5 डेज के बाद एक बार चेक करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से खाली पेट का शुगर चेक करके उसका डोज सेट करते हैं, या प्रीमिक्स इंसुलिन ट्वाइस अ डे मॉर्निंग इवनिंग करना पड़ता इंसुलिन लगता है, तो आपको डेली भी चेक करना पड़ता है या 3 डेज के बाद चेक करना पड़ेगा सुबह शाम एक बार शुगर स्टेबल हो तो। बट अगर आप type 1 diabetes के हैं, तो दिन में 3-4 बार भी चेक करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ डायबिटीज क्या है और ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है, थेरेपी कौन सी ले रहे हैं, किस दवाइयों पे हैं आप। इंसुलिन पे हैं, इंसुलिन पे एक टाइम डेली का इंसुलिन है, 2 टाइम का इंसुलिन है या 4 बार का इंसुलिन है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं किस पेशेंट को कितनी बार शुगर चेक करना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डायबिटीज एंड ट्रीटमेंट मोडालिटी हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितनी बार शुगर चेक करना चाहिए। बट ऑन एन एवरेज एक रूटीन डायबिटीज पेशेंट जिनका स्टेबल ब्लड शुगर है, ग्लूकोमीटर नहीं है, लैब से चेक कराते हैं, मंथ में एक बार शुगर चेक करना चाहिए, दोनों खाली पेट भी नाश्ते के 2 घंटे बाद। ज़्यादातर पेशेंट खाली पेट का शुगर चेक करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए इंडियंस का जो ब्रेकफास्ट है वो कार्ब रिच है। यू आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, मेरा डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारे इंडियंस का कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट है जिसमें कार्ब्स का कंटेंट ज़्यादा है। बाहर की कंट्रीज़ में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, नॉन वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। फास्टिंग शुगर का भी 100-120 होता है, कंट्रोल होता है, बट ब्रेकफास्ट के बाद एकदम से शुगर बढ़ता है, तो इसलिए ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद भी शुगर चेक करना ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक हमने बताया कि कंट्रोल डायबिटीज़ है, ग्लूकोमीटर नहीं है तो मंथ में एक बार करना चाहिए, ग्लूकोमीटर है टेबलेट्स पे हैं तो आप वीकली भी कर सकते हैं, बट इंसुलिन पे हैं वंस इन अ डे इंसुलिन क्लारजीन है
तो थ्री आफ्टर थ्री डेज तो करना चाहिए फास्टिंग शुगर। प्री मिक्स इंसुलिन सुबह शाम है तो डेली भी करना पड़ेगा, एटलीस्ट थ्री डेज बाद तो करना ही, मॉर्निंग इवनिंग वो डिपेंड करता है जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है। और चार बन इंसुलिन लगा रहे हैं तो फिर भी करना पड़ेगा। और टाइप 1 डायबिटीज़ है जिन्हें थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स इंसुलिन लगता है, फोर टाइम्स इंसुलिन लगता है, उनको डेली थ्री या फोर टाइम्स शुगर चेक करना चाहिए। तो ये ब्लड शुगर के बारे में बात होगी। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो था कि बाकी बॉडी के टेस्ट कब कराने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि साढ़े को ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं जो कि करते हैं सिर्फ शुगर टेस्ट असी नॉर्मल रख लें, जब साडा शुगर ही नॉर्मल है तो फिर तो सानू कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। बाकी जिवें किडनीज का टेस्ट है, लिवर का टेस्ट है, हार्ट चेकअप है, पेशेंट कभी नहीं करवाते, मैक्सिमम पेशेंट नहीं करवाते। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी पेशेंट नहीं करवाते, काफ़ी पेशेंट नॉलेज ना होने करके, अवेयरनेस ना होने करके बाकी टेस्ट नहीं करवाते, क्योंकि पेशेंट को लगता कि मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नॉर्मल टेस्ट से, नॉर्मल शुगर से। क्या यह सही है या उन्होंने भी करवाना चाहिए बाकी बॉडी के टेस्ट? हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि सारे लोग, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग खाली शुगर का चेक कराते हैं। इवन दो शुगर कंट्रोल भी है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, कंट्रोल होने के बावजूद ये ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है, बॉडी ऑर्गन्स पे असर कर सकता है। तो ये समझना चाहिए कि कंट्रोल डायबिटीज़ होने के बावजूद ये ऑर्गन्स को असर कर सकता है, फिर भी हमें बेसिक ऑर्गन्स के जो टेस्ट हैं वो करवानी चाहिए। तो एक तो थ्री मंथ्स बाद हमें, क्योंकि शुगर का क्या है कि फ्लक्चुएट करता है, ये एक ब्लड शुगर टेस्ट मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, आपने खाने में कुछ बाहर का खाना खा लिया, तो एक शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर सकता है और फास्टिंग शुगर ठीक हो सकता है, ब्रेकफास्ट के बाद बढ़ सकता है, एक लैब से अलग आएगा, दूसरे लैब से अलग आएगा। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है HbA1c जो लास्ट थ्री मंथ्स का एवरेज शुगर देता है, तो वो भी थ्री मंथ्स बाद कराना चाहिए। अगर आपका हाई शुगर्स है तो 7% से नीचे हमारा टारगेट होता है, कंट्रोल माना जाता है। अगर आपका कंट्रोल है 7% से नीचे है तो 6 मंथ्स बाद भी करा सकते हैं। तो फास्टिंग और पीपी शुगर हर मंथ के बाद, अगर आपका ग्लूकोमीटर नहीं है, स्टेबल है, HbA1c 3 मंथ्स का एवरेज शुगर 3 मंथ्स बाद, अगर आपका कंट्रोल है 7% से नीचे है तो 6 मंथ्स बाद, और साथ में एक साल में एक बार एनुअली हमारे कुछ टेस्ट करवाने जरूरी है। उसमें आंखों के पर्दे का चेकअप, दैट इज नोन एज फंडस एग्जामिनेशन, या पर्दे का चेकअप, रेटिना का चेकअप, डेंटल एग्जामिनेशन, हमने बात की है पुरानी वीडियोज़ में भी, बाकी वीडियोज़ में हमारी जो है डेंटल चेकअप कराना ज़रूरी है। थायराइड चेकअप कुछ पेशेंट्स में होना चाहिए जिनको कुछ सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म की, या खून संघन आए, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहा है, या कुछ सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म के। कार्डियक चेकअप रूटीन में हम एडवाइस नहीं करते, बट इनके रिस्क फैक्टर्स है या सिम्टम्स है कार्डियक प्रॉब्लम के, उनको करना चाहिए। किडनी में हम यूरिन में माइक्रोएल्बुमिन चेक करते हैं, वो साल में एक बार करना चाहिए। किडनी फंक्शन, यूरिया, क्रिएटिनिन विद एस्टिमेटेड GFR, जिसमें हम किडनी फंक्शन के बारे में पता करते हैं साल में एक बार। पैरों का चेकअप, फुट चेकअप, चेकअप होना चाहिए साल में एक बार, जिसको हम फुट की नर्व्स का भी चेकअप करते हैं, न्यूरोपैथी जो है, फुट पल्सिस का भी चेक करते हैं, ब्लड फ्लो कैसा है, बेसिक चेकअप होता होना चाहिए। तो ये बेसिक चेकअप होना चाहिए साल में एक बार। ब्लड प्रेशर हर विजिट में होना चाहिए, जब भी पेशेंट आता है ब्लड प्रेशर चेकअप होना चाहिए। तो ये बेसिक चेकअप हर किसी डायबिटीज पेशेंट्स का होना चाहिए रूटीन में, सो दैट कि अगर शुगर कंट्रोल भी है लेकिन साथ में जो और कोई प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हो सकती है डायबिटीज़ का, टाइमली डायग्नोस हो, इंटरवेंशन हो, इंटरवीन हो, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो, और लिपिड प्रोफाइल भी साल में एक बार होना चाहिए। लिवर फंक्शन टेस्ट तो होना चाहिए साल में एक बार। कुछ मेडिसिन डायबिटीज़ में हम देते हैं जैसे स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, तो उनमें भी रेगुलर चेकअप होना चाहिए लिवर फंक्शन टेस्ट की, उनमें लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज हो सकते हैं। और अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट रेगुलरली होना चाहिए। अगर हम ये रेगुलर चेकअप कराएंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर साथ में एसोसिएटेड होना स्टार्ट हो जाती है पेशेंट्स में, टाइमली डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, डाइट्री मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो टाइमली पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं, आगे जाके एडवांस स्टेज डिजीज में नहीं जाएं, किडनी प्रॉब्लम्स या लिवर प्रॉब्लम्स या कार्डियक प्रॉब्लम्स में नहीं जाएं, फुट की कोई ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, या आँखों की रोशनी एडवांस स्टेज में ख़राब नहीं हो, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में आँखों के पर्दे पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाता है, फिर लेजर कराना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन हर किसी पेशेंट को जाना चाहिए। ये कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बट कराने से, एक साल में एक बार कराने से क्या होगा, डायग्नोस हो जाएगा टाइमली, पेशेंट के सिम्टम्स शुरुआत में नहीं आते। जब ये जो कुछ अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरुआती कॉम्प्लिकेशन हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन में आएंगे,
पेशेंट को सिम्टम्स एडवांस स्टेज कॉम्प्लिकेशन में आती है तब ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल होंगी। शुरुआती स्टेज में ये इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, हम इंटरवीन करके इसको रिवर्स कर सकते हैं, और जब एडवांस स्टेज में जाएंगी पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे तब इनको रिवर्स नहीं कर सकते, तब इनको आगे प्रोग्रेशन के लिए हम ट्राई कर सकते हैं और तब ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होगा और हो सकता है उनको रिवर्स भी नहीं कर पाए, और ट्रीटमेंट कॉस्टली होने के साथ साथ हो सकता है पेशेंट फिर भी एडवांस स्टेज कॉम्प्लिकेशन में जाएं, लाइक रीनल फेलियर, फुट एम्पुटेशन, ब्लाइंडनेस में जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है और बहुत ही असहनीय प्रॉब्लम आती है पेशेंट में, और हम ट्रीटमेंट के बावजूद पेशेंट को हेल्प नहीं कर पाते। थैंक यू डॉक्टर सुशील कोथरू इन्हें इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन देने ली साडे दर्शकों। तो अज डॉक्टर सुशील कोथरू ने आपां यही दसिया कि कदों केड़े टेस्ट करवाने जरूरी हैं, किन्ने समय बाद यह टेस्ट होने चाहिए हैं ताकि अगे की वड्डी प्रॉब्लम तो बचा जा सके, ताकि सही समय से ही आपां तकलीफ का पता लग सके। तो कोशिश करते हाँ कि थोड़े लिए फायदेमंद होएगी यह जानकारी। अगली वीडियो नाल असीं अगली बारी फिर हाजिर होवांगे। नमस्कार। नमस्कार।